हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ घर पे कैसे डीआईवाई एंटी एजिंग शीट मास्क बना सकते हैं वो बताने वाली हूँ। जी हाँ, उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, मुश्किल से 1 या 2 रुपए लगेंगे और आपका घर पे ही एंटी एजिंग शीट मास्क बन करके तैयार हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे क्या करना है, कैसे बनाना है शीट मास्क, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि शीट मास्क होते क्या। शीट मास्क आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हर कोई शीट मास्क का यूज कर रहा है। आजकल तो हम आम लोग भी शीट मास्क का यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली शीट मास्क जो है वो हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है, शीट मास्क जो है वो कोरियन ब्यूटी का हिस्सा है और ये कोरियन विमेन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है अपने स्किन केयर में या स्किन केयर रेजिम में इसका इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं शीट मास्क की। तो शीट मास्क आपको बहुत सारे वेराइटीज एंड रेंज में मिल जाएंगे और सबसे चीप भी बोलूं तो आजकल 150-200 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होती है। डिस्काउंट पे भी आपको 100 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि शीट मास्क सिर्फ सिंगल टाइम यूज होता है, अगर आप इसे एक बार यूज करते फिर आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो हर कोई इसे इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आज मैं हम लोग साथ जो शीट मास्क शेयर करने वाली बहुत आसान बनाने हैं उसे बनाना, आप वो सारी चीजें आपके साथ घर पे ही होंगी, नेचुरल होंगी और उसे आप आराम से यूज कर सकते हैं। महीने में 2 से 3 बार आप शीट मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, स्किन पे ग्लो आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से गैस पे एक बर्तन चढ़ा देना जैसे मैंने चढ़ा रखा है और उस गैस की भी जो आंच उसको धीरे कर दी है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ इतना ही लेना है जितना कि हमें हमारा जो शीट है वो डूब जाए। तो हम आधे गिलास से करीब इसमें पानी लेंगे, देख सकते हैं मैंने आधे गिलास से करीब इसमें पानी लिया है और इसे हम पानी को गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी जो हमारा है वो गर्म हो गया। तो हम अपनी जो गैस की जो आंच है या बोलूं जो गैस है उसको हम बंद कर देंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी जो मैंने लिया था गर्म उसे एक कप में खाली कर लिया है। अब हम इसमें अपनी मेन चीज ऐड करेंगे। जी हाँ, आपको लेना है यहाँ पे ग्रीन टी। जी हाँ, मैं यहाँ पे ग्रीन टी का यूज कर रही हूँ। ग्रीन टी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप सब जानते हैं कि अगर मैं अपना वेट लूज करना होता है या फिट रहना चाहते हो तो ग्रीन टी का यूज करते हैं। लेकिन हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ अगर स्किन की बात करें तो ग्रीन टी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे फाइन लाइन रिंकल जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो और जो हमारी जो कोरियन वेमेन होती है वो ग्रीन टी का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि इसको पीने से हमारी बॉडी में अंदर से ग्लो आता है, आपकी जो हेल्थ होती है वो भी अच्छी होती है, साथ में हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो हम ग्रीन टी का यूज करेंगे। ग्रीन टी हम यहाँ पे करीब 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें ग्रीन टी ऐड करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं मैंने आधा चम्मच डाला है। इसमें मैं अभी और ऐड करूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें आधा चम्मच करीब और डाल दिया है, मतलब 1 चम्मच के करीब मैंने फुल इसमें डाला है और पानी भी हमारा 1 कप के करीब है। तो अगर आप 1 चम्मच यूज करते तो सही, अगर आप चाहे तो उसमें थोड़ा ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 चम्मच आपके लिए इनफ होगा और उसको थोड़ी देर डाल के छोड़ देंगे ताकि पानी में पूरा अर्क इसका आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैंने ग्रीन टी बना ली है और उसे मैंने एक बोल में खाली कर लिया है। अब आपको जो दूसरी चीज इसमें ऐड करनी है वो है लेमन। जी हाँ, हमें इसमें नींबू डालेंगे, नींबू की भी हम कुछ बूंदे डालेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको ना डालें, लेकिन आपकी स्किन नॉर्मल है कॉम्बिनेशन तो आप इसका नींबू का यूज कर सकते हैं। नींबू में इसे बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। जी हाँ, लेमन मैंने ऐड कर दिया। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारे दाग धब्बों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, ब्लेमिशेस को दूर करता है, स्किन को लाइट बनाता है। और तीसरी और लास्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी। जी हाँ, यहाँ मैं प्योर ऑर्गेनिक हनी का यूज कर रही हूँ। अगर आपको ये हनी नहीं मिलता तो आप जो मार्केट के जो हनी आते हैं डाबर के या किसी भी ब्रांड के, आप वो हनी का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस हनी का यूज कर रही हूँ। हनी हम यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब इसका यूज करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसके जगह 1/2 चम्मच की हनी का भी यूज कर सकते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारा ये सीरम बन करके तैयार है। ये DIY एंटी एजिंग सीरम है और ये हमारे स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लेना है 1 वाइप। जी हाँ, आपको ये वाइप आराम से मार्केट में मिल जाती हैं या ऑनलाइन भी आपको ड्राई वाइप्स मिल जाएंगी। अगर आपको ये वाइप्स नहीं मिलती तो आप इसकी जगह बेबी वाइप्स का भी यूज कर सकते हैं। आप सिंपल उसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मेरे तरीके से आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने इसे लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कट करना है अपने फेस के शेप में, जैसे आईज है, नोज है, हम इसे कट करेंगे। मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपके सामने से काट करके दिखाऊंगी। तो हम इसे
कट करेंगे ताकि हमारे आईज एंड नोज का शेप बन जाए और हम आराम से फेस पे लगा सके। तो मैं आपके सामने ये कट कर रही हूँ, ये हमारी आईज हो गई। सेम इसी तरीके से इसको इधर भी कट करेंगे जी। ये हमारी आईज तैयार है, अब हम अपने इसके लिप्स के शेप भी कट कर लेंगे। हमारा ये लिप्स और ये नोज एरिया के लिए हम इसको कट कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है और हमारा शेप बन करके तैयार है। इसे हम जो वेस्ट है उसको हम हटा देंगे। तो ये आपके सामने हमारी शीट मास्क बन करके तैयार है। मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसे कट कर लिया है। तो आपके सामने ये दो वाइप्स तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, अपना जो हमारा सीरम है हम उसमें ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी जो वाइप्स थी इसे हम अच्छे तरीके से इसमें डिप कर देंगे ताकि जो हमारा सीरम है इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। इस तरीके से मैंने डिप कर दिया, इसे हम 1 से 2 मिनट के इसी तरीके से इसमें रहने देंगे ताकि पूरी तरीके से ये एब्जॉर्ब कर ले। तो जी हाँ दोस्तों, 2 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से निचोड़ दिए ताकि जो एक्स्ट्रा है वो हमारा रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको इसे फेस पे अप्लाई करना है। मैं आपको फेस पे नहीं, अपने हाथों पे लगा करके दिखा रही हूँ मैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो सीरम था इसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो बस सिंपल आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं आपको ये भी बता दूं आपको फेस पे कैसे अप्लाई करना है और मैं इसे अपने हाथों पे आपको लगा करके दिखाऊंगी ताकि आप समझ सके आपको किस तरीके से फेस पे अप्लाई करना है। तो जो आपने शेप बनाई हुई थी ये ऑब्वियसली मेरे पूरे हाथों पे फिट नहीं हो पाएगी लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इस शीट मास्क को लगा करके छोड़ देना है। जैसे ऐसे शेप आपको बिल्कुल वैसे ही लगाना है, इस तरीके से इसे लगा करके छोड़ देना है और जो एक्स्ट्रा है उसे लगा के कम से कम 15 से 20 मिनटों के लिए लगा करके छोड़ देना है ताकि ये आपके स्किन में जज्ब हो जाए, ये अपना काम कर सके 15 से। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब हमने जो ये अपना शीट मास्क लगा उसे अब हम रिमूव कर देंगे और ये जो हमारा जो एक्सेस सीरम लगा हुआ है इसे हम इसी तरीके से रहने देंगे, जिससे अपने स्किन के अच्छे से मसाज कर लेंगे। जी हाँ, और आपको इमीडिएटली अपने फेस को वॉश नहीं करना है, इसे हम कुछ देर ऐसे रहने देंगे ताकि जो हमारा जो मिक्सचर इस पे रह गया उसे हम अपने, आप चाहे तो जो बचा हुआ मिक्सचर उसे भी अपने फेस पे आप इस तरीके से लगा करके मसाज कर सकते हैं। छोड़ देंगे ताकि स्किन पूरी तरीके से जज्ब हो जाए। उसके बाद आप चाहे तो कुछ देर बाद चाहे फेस को वॉश करके इसके बाद कोई क्रीम या कोई मॉइस्चराइजर लगा ले। दोस्तों आप इस शीट मास्क को हफ्ते में या बोलो एक बार यूज कर सकते हैं, महीने मैक्सिमम 3 से 4 बार आप इसे इस शीट मास्क को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव शीट मास्क होता है और इस शीट मास्क को लगाने के बाद आपको फेशियल करने की भी जरूरत नहीं होती, जिसे बोलेंगे कि फेशियल शीट मास्क होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप समझिए आपको इस शीट मास्क को कैसे अप्लाई करना है और कैसे बनाना है, मैंने आपको सारे इस वीडियो में डिटेल बता दिया। तो दोस्तों ये इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स बताया आप इसे फॉलो करिए और शीट मास्क को अपने घर पर बना करके देखिए और अपने पैसे बचाइए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।